हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने SST की बुक में लेसन 3 में सिक्किम तक पढ़ चुके हैं। हम लोग सिक्किम तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल जो है वो ईटानगर है। रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर के ही ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है। द स्टेट हैज़ थिक फॉरेस्ट। इस स्टेट में घना जंगल है, स्ट्रीम्स हैं एंड वाटरफॉल्स एंड और झरने हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज़ एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। राइस वीट मेज एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। वहाँ पर में आर द मेन क्रॉप्स ग्रो हेयर। वहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें राइस है, वीट है, मेज है और मस्टर्ड है। पीपल प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। झूम जो है वो खेती होता है, जो शिफ्टिंग यानी कि यहाँ से वहाँ करके झूम खेती होता है, उस तरह की खेती वहाँ पर में की जाती है। फिर है मेघालय। द वर्ड मेघालय मीन्स द एवर्ड ऑफ क्लोड्स। क्लोड्स मीन्स होता है बादल, तो मेघालय का मतलब हुआ, जस शब्द जो है मेघालय उसका मीनिंग हो गया, मतलब हो गया कि बादलों का निवास। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय का जो कैपिटल है वो शिलोंग है। इट इज़ नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ईस्ट के स्कॉटलैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। यहाँ का 30% राज्य जो है ये फॉरेस्ट से ढका हुआ है, यानी कि वहाँ घना जंगल पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पलटेंगे। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय। मेघालय के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है। द मेन क्रॉप ग्रो इन द स्टेट आर पोटैटो राइस मेज पाइनएप्पल एंड बनाना। यहाँ के लोगों का मुख्य फसल जो है, यहाँ जो मुख्य फसलें उगती हैं वो पोटैटो यानी आलू, राइस मेज पाइनएप्पल और बनाना है। इसके बाद है नागालैंड। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल जो है कोहिमा है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट के लोगों का मुख्य व्यवसाय फार्मिंग और फिशिंग है, यानी खेती और मछली पालन। नागालैंड इज फेमस फॉर हिल्स विच आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। नागालैंड जो है वो हिल्स के लिए फेमस है, जहाँ पर में घने जंगल पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल लाइक एलिफेंट बियर बुफेलोज लियोपार्ड एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो एलिफेंट्स हैं, बियर्स हैं, बुफेलोज हैं, लियोपार्ड हैं और टाइगर्स हैं। द पीपल ऑफ नागालैंड वियर कलरफुल क्लॉथ्स डेकोरेटेड विथ शेल्स बीड्स हॉर्न्स बोन्स एंड इवोरी। वहाँ के लोग जो हैं, नागालैंड के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं जो कि सजे हुए रहते हैं शेल्स से, बीड्स से, हॉर्न से, बोन्स से और इवोरी। ये एक प्रकार के पत्थर टाइप के होते हैं, मोती सब, जिससे कि वहाँ के कपड़ों का डेकोरेशन किया जाता है। फिर है मणिपुर। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। द पीपल ऑफ द स्टेट ग्रो राइस वीट मेज कॉटन सुगर कैन ऑरेंज मे एंड पाइनएप्पल। यहाँ पर में जो फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ के लोग जो फसल उगाते हैं वो वीट है, मेज है, कॉटन है, सुगर कैन है, ऑरेंज है और पाइनएप्पल है। द हिल्स ऑफ मणिपुर आर Densely covered with forest of bamboo and teak। यहाँ का जो जंगल सब है वहाँ पर में बैम्बो और टीक यानी बांस और सागवान के पेड़ आदि पाए जाते हैं। मोर देन 500 स्पाइसेस ऑफ ऑर्चिड्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर में 500 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। फिर है मिजोरम।
एज़वल इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, मिज़ोरम का कैपिटल जो है वो एज़वल है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी फार्मिंग है यानी खेती है। दे ग्रो राइस मेज मस्टर्ड एंड कॉटन, ये जो है राइस मेज मस्टर्ड और कॉटन उगाते हैं, कॉटन मीन्स होता है रुई। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज बनानाज एंड पाइनएप्पल्स आर ऑल्सो ग्रे हेयर, यहाँ पर में जो है फलों में ऑरेंज बनाना और पाइनएप्पल उगाए जाते हैं। बैम्बो डांस और द चेरो डांस इज वन ऑफ द फेमस डांस ऑफ मिजोरम, यहाँ का जो फेमस डांस है वो बैम्बो डांस है या चेराव डांस है। फिर है त्रिपुरा, अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल जो है राजधानी जो है वो अगरतला है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट, यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय फार्मिंग ही है। जूट सुगर कैन ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक गुआवाज एंड पाइनएप्पल्स आर ग्रो हेयर, यहाँ पर में जो फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ के लोग जो फसल उगाते हैं उसमें जूट सुगर कैन ऑयल सीड है और फ्रूट में गुआवा और पाइनएप्पल है। इट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स मेड फ्रॉम कैन एंड बैम्बू, यहाँ पर में यहाँ ये जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाए हुए सामानों के लिए फेमस है जो कि बैम्बू और कोन से बनाए जाते हैं। त्रिपुरा इज़ होम टू अवर 150 डिफरेंट स्पाइस ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर में 150 से अधिक प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर में पक्षियाँ जो पाए जाते हैं पक्षी वो सब 150 से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं। लेसन ख़त्म हो गया है, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे फर्स्ट में द पीपल ऑफ कश्मीर स्टे वार्म विद द हेल्प ऑफ ए कंगड़ी, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, मिजोरम इज फेमस फॉर बैम्बो डांस। सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड प्लांटेशन, द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। फिर आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस में मैनी टूरिस्ट प्ले विजिट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इन द नॉर्थन माउंटेन्स, वाई, अधिकतर लोग जो हैं वो नॉर्थन माउंटेन में स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज घूमने के लिए आते हैं, क्यों? तो इसका आंसर आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। मोस्ट स्टेट इन द नॉर्थन माउंटेन्स आर विजिटेड बाई टूरिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, होली प्लेसेस एंड प्लीजेंट वेदर, यहाँ पर में प्राकृतिक सुंदरता की वजह से, पवित्र स्थानों की वजह से और यहाँ के आनंददायक मौसम की वजह से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन द नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन माउंटेन में किस तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं? तो यहाँ रिकैप में देख लोगे, क्रॉप लाइक राइस मेज बार्ले पाइनएप्पल पीच एप्रिकोट ऑरेंज एंड चेरीज आर के बाद क्वेश्चन से ले लेना है, ग्रो इन द नॉर्थन माउंटेन्स। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डू द स्टेट इन द नॉर्थन माउंटेन्स हैव, नॉर्थन माउंटेन में किस तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं ये भी कॉपी में नोट करेंगे। द स्टेट इन द नॉर्थन माउंटेन्स विटनेस एक्सट्रीम कोल्ड विच इवन लोड टू हैवी स्नोफॉल इन द विंटर एंड ड्यूरिंग समर इट हैज़ प्लीजेंट वेदर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य ट्रेडिशनल क्लॉथ कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में आएंगे, पेज 17, पेज नंबर 18 में कल्चर में ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर मैन इंक्लूड लूज कोट कॉल चोलाज अलॉन्ग विद चूड़ीदार एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स, वुमेन वियर कुर्ता पैजामा एंड ए स्कार्फ ऑन द हेड। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो गया। क्वेश्चन फाइव,
क्वेश्चन है व्हाट इज सिकारा, विच स्टेट इज फेमस फॉर इट। सिकारा क्या है और कौन सा स्टेट इसके लिए फेमस है। पेज नंबर 15, पेज 15 पे लास्ट में फ्लैट बॉटम वुडन बोट्स कॉल सिकाराज। इसमें दो क्वेश्चन हैं और सेकंड का आंसर है जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर इट। आप लोगों का लेसन क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर इसके बाद है स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड और फॉल्स। यहाँ पर मैं दिए हुए सेंटेंस जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो लिखने हैं। सबसे फर्स्ट में द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज फार्मिंग, तो ये ट्रू हो गया। लेपचा इज ए टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन सिक्किम, ये फॉल्स है क्योंकि लेपचा वहाँ का कम्युनिटीज है। पतीर इज एन इम्पोर्टेंट डिश ऑफ हिमाचल प्रदेश, ट्रू। फिरनी इज एन इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये फॉल्स है क्योंकि फिरनी वहाँ का क्लॉथ है। सतलुज इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ट्रू। नेक्स्ट पेज पलटेंगे, मैच द कॉलम। कहवा ए स्पेशलिटी, रॉफ ए डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाटी ए डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, बोकू ए टाइप ऑफ ड्रेस, झूम ए टाइप ऑफ फार्मिंग। क्रॉसवर्ड में सॉल्व द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन बिलो। क्रॉस में यानी सामने में आमने सामने, लॉन्ग स्कर्ट वॉर्न बाय वुमेन ऑफ सिक्किम, तो बोकू। सेकेंड फेमस लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, डल। अप टू डाउन में, डाउन में अप टू डाउन हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कुल्लू। लेसन ख़त्म हो गया आप लोगों का। इसको क्वेश्चन आंसर को सब कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।